डबल सेविंग कैसे करें ये बहुत इम्पोर्टेंट है। डबल सेविंग करने से रैकून क्रॉप बहुत अच्छी होती है। ये आप देख सकते हैं जीवन में डबल सेविंग भी कर रहा है, यानी फ्रूट भी काट रहा है, प्लस उसके पीछे छोटी सी मिनी प्लाव लगी हुई है जो कि जुताई का काम कर रही है। फ्रूट कटने के बाद में जुताई हो जाती है, उसके रिजल्ट बहुत अच्छे रहते हैं। टिलिंग फेज क्वालिटी ऑफ प्लांट, जो पहला प्लांट निकलता है बहुत अच्छा है। ये जो आप देख सकते हैं, ये जब स्टेबल सेविंग हो जाती है उसके बाद स्टेबल कैसे, यानी कि नीचे जो पोर्शन है गन्ने का कैसा हो जाता है। ये देखिए गन्ना कैसे बराबर से कट चुका है। ये जैसे ही बराबर कटता है उतने ही अच्छे नीचे से ट्रेलर आते हैं, एकदम बराबर से कटा हुआ। जैसे इसके नीचे अच्छे शार्प ब्लेड्स होते हैं जो कि पहने करके लगाए जाते हैं, स्टेबल होने के बाद में अच्छे से ठूट दिख जाते हैं। अब ये ठूट जैसे ही कटते हैं उसके बाद इसको हमने प्रिकॉशन लेना होता है स्प्रे का। इनके ऊपर फंगीसाइड की स्प्रे करनी है। फंगीसाइड कार्बेंडाजिम 500 ग्राम्स पर एकर ले लें, या M75 मैनकोजेब 500 ग्राम्स पर एकर ले लें। इस तरीके से आप स्टेबल्स के ऊपर स्प्रे कर दें जिससे कि फंगस ना लगे। स्प्रे करने का बेनिफिट है, फंगस नहीं आएगी, आपकी क्रॉप की क्वालिटी अच्छी रहेगी, यानी कि फंगस से कोई भी डैमेजेस नहीं आएंगे। कुछ दिनों बाद, जब आपकी थोड़े दिन बाद, एक हफ्ते बाद नीर हल्की आपकी क्रॉप निकल आती है, वो जब क्रॉप निकल आती है, ये वाले क्रॉप में हमने स्टेबल सीविंग की थी मगर हमने इसमें ट्रैश भी रखी हुई है ट्रैश कटर चलाने के बाद। जब क्रॉप आपकी कुछ दिखने लगे थोड़ी सी बड़ी, उस समय कुछ ना भी डोजिंग डालें तो भी चलता है, क्योंकि जैसी क्रॉप आपकी दिखने लगती है फर्टिलाइज़र डोजिंग दे के ऐसे जोत नहीं चला सकते हैं। ये जोताई हम बड़े ट्रैक्टर से करते हैं, नॉर्मली छोटे ट्रैक्टर से भी करते हैं। छोटे ट्रैक्टर से भी जोतनी किस तरीके से हो रही है वो आगे इसके नेक्स्ट अभी इसके आगे आपको देखने को मिलेगा। ये नॉर्मल जोतनी है, नॉर्मल कल्टीवेटर है, बीच के नाली खोल दी गई है, तीन तीन साइड में है और वो अच्छे से जोताई कर रहे हैं। मेन लॉजिक क्या है कि इसकी जड़ें रैटून की जो है जड़ें टूट रही हैं, जड़ें टूटेंगी तो अच्छी टिलिंग फेस आएगी, क्वालिटी ऑफ क्रॉप भी बनेगी, नई जड़ें विकसित होंगी। ये फर्स्ट ऑपरेशन करने के बाद में फिर हम लोग छोटे ट्रैक्टर से शीट बेल से खाद डालते हैं। छोटे ट्रैक्टर से भी डाल सकते हैं, बड़े ट्रैक्टर से भी। ये जिस तरीके से आप देख रहे हैं, आप इंटरक्रॉपिंग कर लें उसमें या जो भी आपको लगे। ये वैसे जो क्रॉप है ये आपकी प्लांट है, बट इसी तरीके से रैटून की मैनेजमेंट भी होती है, इसी तरीके से शीट बेल जो है रैटून में भी चलती है। शीट ड्रिल किस तरीके से, मेरे पास यही वीडियो अवेलेबल थी इस समय प्लांट केन की, तो इसलिए मैंने प्लांट केन का कर दिया। रैटून का भी सेम प्रोसेस रहता है, बस उसमें क्या है प्लांट केन की जगह पे रैटून होता है। मिनी ट्रैक्टर से हम लोग फर्टिलाइजर्स डालते हैं। फर्टिलाइजर्स रैटून में हर एक जगह की अलग अलग रिकमेंडेशन हैं। फिलहाल हम लोग यहाँ पर 2 बैग सुपर SSP, 25 kg DAP, 25 किलो पोटाश, 15 से 20 किलो यूरिया, 5 किलो सल्फर 90%, फेफ्रोनेल 5 किलो, माइकोराइजा, पोटेशियम ह्यूमेट 1 किलो, ये सारा कुछ मिक्स करके गोबर की खाद के साथ में मिक्स करके डाल रहे हैं। जो चीज़ें शीटड्रिल से पड़ने वाली वो शीटड्रिल से डाल रहे हैं, और जो चीज़ शीटड्रिल से नहीं पड़ने वाली वो हाथ से पहले डाल देते हैं, पीछे से शीटड्रिल चला देते हैं। एक प्रोडक्ट अच्छा इस समय दिख रहा है, वो प्रोडक्ट का नाम है जिपमाइट। वो जिप्सम कोटेड रहता है और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स रहते हैं। इसमें मैग्नीशियम सल्फेट भी 3 किलो हम लोग प्रयोग करते हैं। ये आप देख सकते हैं शीट ड्रिल किस तरीके से एकदम गन्ने के पास से जा रही है, फिर से हल्की हल्की जड़ें टूट जाती हैं और शीट ड्रिल से एकदम पास में जाके सारी फर्टिलाइज़र क्रॉप में यूटिलाइज हो जाती है। ये रैटून और प्लांट में सेम प्रोसेस ही रहता है। इस तरीके से फर्टिलाइज़र डालने का मेन बेनिफिट क्या है कि जो भी आपकी फर्टिलाइज़र्स हैं वो आपकी सॉइल के नीचे दब जाती हैं। फर्टिलाइज़र्स ज़मीन के नीचे दबने से बेनिफिट पूरा मिलता है, क्योंकि अगर हम ऊपर रखेंगे तो वो धूप में ख़राब होंगी या रिएक्शंस के बाद में उसके रिजल्ट्स नहीं मिल पाएंगे। अच्छे रिजल्ट्स लेने के लिए हम फर्टिलाइज़र्स को नीचे दबाएं। ये आप क्रॉप सेम क्रॉप है, ये सारा कुछ होने प्रोसेस होने के बाद में ये क्रॉप इस तरीके की अब धीरे धीरे तैयार हो रही है, कुछ इस तरीके की दिखनी शुरू हो रही है। ये 238 वैरायटी है और इसमें आप देख सकते हैं रैटून मैनेज करने के बाद में क्वालिटी क्रॉप की काफ़ी ठीक लग रही है फ़िलहाल तो, यानी कि ट्रेलिंग फेस आप देख सकते हैं अच्छा आ रहा है। ये इंस्पेक्शन करने के लिए ये प्लॉट हम लोग देख रहे थे और इसमें ट्रैश रखी हुई थी, कुछ पोर्शन था जो ट्रैश जला हुआ था। मेनली क्या है, जितनी अच्छी हम लोग मैनेजमेंट्स कर सकते हैं, जो चीज़ों पर ध्यान देना है उस चीज़ पर अगर प्रॉपरली हम ध्यान देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। रैटून में हम कोशिश करें 2 से 3 बार फर्टिलाइज़र्स दें और उसके बाद में स्प्रेस पे भी विशेष ध्यान दें। स्प्रे रिकमेंडेशंस के अकॉर्डिंग ही करें, किस चीज़ की ज़रूरत है उस अकॉर्डिंग ही हम लोग स्प्रे करें। फ़िलहाल फंगीसाइड की स्प्रे M75 या हम लोग कार्बेंडाजिम यूज़ कर सकते हैं।